या कमोडिटी की हैजिंग के लिए देर कुड बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज उनके पास काफ़ी सारे अल्टरनेटिवस होते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट के पास या एक्सपर्ट्स के पास कि उनके थ्रू वो हैजिंग कर सके अब उनमें से वो कौन सा तरीका सेलेक्ट करते हैं उसके लिए वट दे डू इज दे ट्राई टू एनालाइज के वट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट दैट आर इन्वॉल्वड इफ वी फॉलो ऑप्शन ए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एट्सट्रा फॉर द हेजिंग पर्पज़ तो बेसिकली इट इज इम्पॉर्टेंट एंड दे ऑलवेज कम अप विद दैट टाइप ऑफ ऑप्शन वो ऑप्शन हेजिंग की ऑप्शन वो सेलेक्ट करते हैं बाई लुकिंग एट द कॉस्ट एस्पेक्ट जहाँ मिनिमाइज हो कॉस्ट तो वैन वी हैव टू लुक फॉर द वेरियस ऑप्शन और अपॉर्चुनिटीज फॉर हेजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट दैट आर टू बी कंसिडर इज ओवरऑल आपने देखना है आपका नफा नुकसान क्या है ये तो देखना ही है बट एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो कि उस पर्टिकुलर एसेट को परचेज़ करने में उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने में आपको और मज़ीद एसेट की पेमेंट करने के अलावा जो आपको मज़ीद एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ती हैं जिनको हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहते हैं जैसे ब्रोकरेज का फ़ी है रजिस्ट्रेशन का फ़ी है कोई और ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस हो सकते हैं वो तमाम को भी आपने बीच में इनकॉर्पोरेट करना होता है और फिर द फाइनेंशियल एनालिस्ट डिसाइड के सी ऑप्शन में कॉस्ट मिनिमम है एंड देन दे चूज दैट वन सो इट्स नॉट जस्ट बाय लुकिंग एट द फाइनेंशियल बेनिफिट्स और द कॉस्ट दैट आर एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर ऑप्शन ऑफ हैजिंग दे कंसिडर द मल्टीपल ऑप्शन दे कंसिडर द मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज थ्रू विच दे कैन हैज सर्टन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और एनी ट्रांजेक्शन या एक्सचेंज इसको हम बोल सकते हैं एंड देन दे लुक ऐट द एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट एसपेक्ट And they would always choose for that particular hedging option in that involves minimum cost. Or minimum cost ko calculate, ke liye, ya cost ko calculate ke liye, it is important to consider ke transaction costs ko bi essentially consider kan